हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप सबके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। पालक पनीर विंटर की बहुत ही फेमस डिश है और इसे मैं बहुत ही इजी वे में आप सबको घर पे बनाना सिखाऊंगी। अगर आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। पालक पनीर बहुत तरीके से बनाई जाती है लेकिन मैं आप सबके साथ बहुत ही सिंपल वे शेयर करूंगी और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया है, इसे अच्छी तरह से धो के ले लिया है। साथ ही मैंने 2 प्याज लिए हैं, टमाटर लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और 2 हरे मिर्च लिए हैं और 200 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी मसाले मैं आप सबके साथ कुकिंग के प्रोसेस में शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 1 लीटर के करीब पानी लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें बॉईल करना है। तो देखिए, पानी जो है अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गर्म पानी में हम पालक को ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे सारे पालक को पानी में ऐड कर दें और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पानी के साथ उबाल लें। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे, बस 2 मिनट तक। तो देखिए, 2 मिनट बाद देखेंगे पालक जो है गल गई है। अब हम इसे अलग निकाल के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ी देर तक इसे गर्म होने देंगे। अब देखेंगे तेल जो है गर्म हो गई है। अब हम इसमें जो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरे मिर्च को रखा था उन्हें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। गैस की आंच को लो मीडियम रखना है और लो मीडियम फ्लेम पे ही इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए भुनिएगा। इन्हें तब तक भुनिएगा जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन सॉफ्ट होने तक ही भुनना है। तो देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है हल्का भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें सारे पालक को ऐड कर देंगे। पालक के साथ ही जो मसाले हमने भून के रखा था उन्हें भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं। इसका एक पेस्ट बना लेना है, पानी ऐड नहीं करना है। तो देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में वापस 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ी देर तक हम तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूंगी और इसे थोड़ी देर तक मैं भुनने दूंगी। तो जीरा को थोड़ी देर भुनने दें। थोड़ी देर बाद जीरा जब भुन जाए, अब हम इसमें जो पालक का पेस्ट बना के रखा था उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें भी लगातार चलाते हुए तेल और जीरा के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम है ये। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अच्छी तरह से सारे मसालों को पालक के साथ लगातार चलाते हुए मिलाइएगा। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। तो देखिए, मसाले जो है अच्छी तरह से पालक के साथ भून गई है और जो पालक का क्वांटिटी है थोड़ा सा कम गया है। इसे अब हम थोड़ी देर तक और भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा ही पनीर पसंद है क्योंकि इससे पनीर जो है सॉफ्ट रहती है। आप अपने अनुसार फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिला के थोड़ी देर तक भून लेंगे। लास्ट में हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी चला के सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो देखिए, हमारी पालक पनीर जो है रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। तो देखिए, मैंने पालक पनीर को सर्व कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से एक फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो मैंने घर के ही दूध की मलाई का यूज़ किया है। आप अगर चाहे तो अमूल के फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घर की जो सामान होती है ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।